तो ये देखिए ओवन वाला भी रेडी है और विदाउट ओवन भी रेडी है। तो ये देखें, ओहो हो, गरम गरम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन पिज्ज़ा पाई, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी, जिसे हम ओवन में भी बनाएंगे और पतीले में भी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है। तो डो तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, बटर लिया है हमने 2 टेबलस्पून, ईस्ट लेंगे हम 1 टीस्पून, पाउडर चीनी लेंगे हम 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1/2 टीस्पून और नीम गरम दूध लेंगे। नीम गरम दूध की जगह आप नीम गरम पानी भी ले सकते हैं और दूध भी ले सकते हैं। बटर की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो आप ऑयल डाल दो। तो अब हम डो को गूंद लेंगे। सबसे पहले मैदे में हम डालेंगे मिल्क पाउडर, ईस्ट, पाउडर चीनी, नमक, मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को डाल के। तो ये देखिए ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे नीम गरम दूध थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा ना तो डो जो आपकी होगी ना वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ईस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। अगर फुल गर्म आप उसे डालो ना पानी में तो वो ख़राब हो जाता है। अब इसे अच्छे से हम गूंदेंगे। तो ये देखें थोड़ा सा हमने इसे गूंदा। अब इसमें हम ऐड करेंगे बटर, बटर डाल के हम इसे अच्छे से गूंदेंगे 10 मिनट तक। तो ये देखें डो हमारी अच्छे से गूंद चुकी है। अब इसे हम राइज होने के लिए रख देंगे कवर करके। मैं इसे प्लास्टिक रैप से कवर करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे किसी प्लेट से भी कवर कर सकते हैं, किसी बॉक्स में डाल दें और उसे रख दें राइज होने के लिए। तो मैं इसे प्लास्टिक रैप से कवर करूंगी। तो मैं इसे कवर करूंगी प्लास्टिक रैप से। अगर प्लास्टिक रैप आपके पास नहीं है तो आप इसे किसी कपड़े से कवर कर दें। अगर कपड़े से नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर कोई प्लेट रख दें और राइज हो जाएगी। तो अब इसे राइज होने के लिए रख देंगे हम 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर। तो ये देखिए डो हमारी अच्छे से राइज हो चुकी है। अब हमने जो इसकी टॉपिंग मतलब इसकी स्टफिंग रेडी करनी है, उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन लिया है हमने 1/2 किलो, जिसको मैंने बोनलेस पीसेस में छोटा छोटा काट लिया है। दही लेंगे हम 1/2 कप, पेपरिका पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो मत लें। जीरा पाउडर लेंगे हम 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। ऑयल लेंगे हम 2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, अदरक पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चिकन के लिए। अब चिकन को हम मैरिनेट करते हैं। तो चिकन में हम डालेंगे दही, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर, नमक, अदरक पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, लहसुन पाउडर और इसमें डाल देंगे ऑयल 2 टेबलस्पून। ऑयल डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हो गया अच्छे से मिक्स। अब इसे हम कुक कर लेंगे। चिकन डाल देंगे, और फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये आराम से पक जाएगा। साथ साथ चम्मच भी चलाते जाएंगे, देखते जाएंगे ना ये लग ना जाए। तो तकरीबन 10 मिनट में मीडियम टू लो फ्लेम पे ये आराम से पक जाएगा। पानी छोड़ेगा, उसी पानी में ये पकेगा। तो ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया, इसी पानी में हमने इसको पकाना है तब तक जब तक ये पानी जो है ना इसका ड्राई ना हो जाए। तो साथ साथ मैं चम्मच इसलिए चला रही हूँ कि ये लगे ना। तो ये पानी देखें अभी है, तो अभी हम पकने देंगे इसको। तो ये देखिए पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बस ये पकने वाला है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी हाई फ्लेम पर, ताकि ये जो थोड़ा सा भी पानी इसमें है ना वो ख़त्म हो जाए।
इस तरह हल्की हल्की हाथ से मैं चम्मच चला रही हूँ, जो बोटियाँ ना उस पर थोड़ा सा कलर आ जाएगा ऐसे करने से। आप चाहे तो आप बड़ी बोटी भी ले सकते हो, थोड़े बड़े साइज की ले लें तो वो भी ठीक रहेगी। तो बस ये रेडी है, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हम साइड पे कर देते हैं ठंडा होने के लिए। तो चिकन मैंने साइड पे कर दिया ठंडा होने के लिए, तो हम डो को निकाल लेते हैं। तो मैं इसको निकालूंगी, ये देखें, पंच करूंगी और इसको निकाल लूंगी। और अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो इसको पकड़ेंगे, तो ये देखिए चार पेड़े मैंने बनाए हैं। दो पेड़े जाएंगे अवन वाले में और दो पेड़े जाएंगे पतीले वाले में। बड़े वाले पेड़े जो मैंने बनाए हैं, क्योंकि पांच पेड़े बने थे उनको मैंने काट के बड़े वाले पेड़े बना लिए, क्योंकि मैंने अवन में जो ट्रे रखनी है वो बड़ी है इस वजह से, और जो पतीले वाली है वो छोटी है। तो अब हम सबसे पहले जो हमने अवन में रेडी करना है उस पेड़ों को बेलते हैं, बाकी को साइड पे कर देते हैं और इसको एक बड़ी सी रोटी की तरह बेल लेते हैं। तो ये हो गया, अब हम वो ट्रे लेके आते हैं जिसमें हमने इसको डालना है। तो ये रहा ये ट्रे, लास्ट ट्रे। इस पे हम पहले ग्रीस करेंगे ऑयल से सारा साइडों से, ये देखें। अब इसको उठाएंगे, इस तरह ये देखते जा रही है, मैं इस तरह उठा के इसको इस तरह करती जा रही हूँ। तो ये देखिए लग गया। अब इसमें हम फोक से निशान लगा देंगे, ये देखें। हो गया ये। और अब हम सबसे पहले इस पे लगाएंगे पिज्जा सॉस। तो ये हसब जरूरत मैंने पिज्जा सॉस ली है, ये पिज्जा सॉस हमने लगा ली। अब मैंने यहाँ पे मोजरेला चीज के क्यूब्स काट के रखे हुए थे हसब जरूरत, और ये हम रख देंगे इस तरह। तो ये चीज हो गया। अब डालेंगे शिमला मिर्च, आप कोई भी ले सकते हैं, आप मशरूम भी ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, एलोपिनो ले सकते हैं, कोई भी आपका दिल करता आप ले सकते हैं चीज। शिमला मिर्च हो गई, और अब हम डालेंगे चिकन। चिकन के बाद हम डालेंगे ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स हैं तो ग्रीन डाल दें। और अब हम इसके ऊपर ग्रेट करेंगे मोज़रेला और चेटर चीज। चेटर चीज करेंगे ग्रेट, और अब करेंगे मोज़रेला। तो ये देखिए चीज हमने ग्रेट कर दिया, अब इसको हम साइड पे कर देते हैं और इसके जो ऊपर टॉपिंग हमने करनी है उसको बेलते हैं। तो ये हमने बेल ली, अब इसमें हमने कट्स लगाने हैं। हो गया ये, अब इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। यहां से उठाने आपने दोनों को जोड़ देना है इस तरह, ये देखें इस तरह। तो ये देखिए ये हो गया। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, अंडा ब्रश करना है।
क्योंकि हमने इसको अच्छा खूबसूरत सा कलर देने हैं, तो इसलिए हम अंडा ब्रश कर देंगे। तो ये देखिए अंडा ब्रश हमने कर लिया और मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 200 डिग्री पे 10-15 मिनट के लिए, और इसे हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे रख के 15-20 मिनट के लिए। बंद कर देंगे और टाइम सेलेक्ट करेंगे 15 से 20 मिनट और 200 डिग्री पे हम इसे रखेंगे। और अब हम इसी तरह दूसरा रेडी कर लेंगे जो हमने पतीले में बेक करना है। तो ये देखिए जो हमने पतीले में बेक करना था वो भी मैंने रेडी कर लिया, तो अब मैं इसको बेक कर लूँगी। पतीला मैंने अच्छे से प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ था, पतीला हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है, आराम से ये प्री हीट हो रहा था, अब ये प्री हीट हो चुका है। पहले आप पतीले को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से प्री हीट कर लें, उतनी देर आप बेल लें, टॉपिंग कर लें, सब कुछ कर लें, उतनी देर पतीला भी हमारा प्री हीट हो जाएगा। तो पतीला हमारा प्री हीट हो चुका है तो मैं इसमें रख दूँगी अब। तो ये देखिए एक पतीला ले लिया और जाली स्टैंड रख लिया, अगर जाली स्टैंड नहीं है तो कोई सा भी स्टील का बर्तन रख लें, सेंटर में रखें इसे और अब हम इसे रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। इसे भी बेक होने में मीडियम टू लो फ्लेम पे लगेंगे 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट में ये आराम से बेक हो जाएगा। तो ये देखिए ये बेक हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ओवन में बना हुआ पिज़्ज़ा पाए। और जो पतीले वाला है वो बेक हो रहा है, उसको हम बाद में निकालते हैं। तो देखिए पतीले वाला भी क्या बेक हो चुका है, तो ये देखिए ये बेक हो चुका है, इस पर भी हल्का हल्का सा कलर आया हुआ है, तो इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा टूट गया लेकिन कोई बात नहीं, मेरा हाथ नहीं जा रहा था इसलिए थोड़ा सा टूट गया। तो ये भी रेडी है, तो ये देखिए ओवन वाला भी रेडी है और विदाउट ओवन भी रेडी है। तो अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो ये देखें, तो ये देखिए तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पाए। और आप सोच रहे होंगे चीज़ क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो गया इसलिए चीज़ मेल्ट नहीं हो रहा। तो ये आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें ज़बरदस्त सा चीज़ है, ये देखें तो ये देखें ज़बरदस्त सा रेडी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ विदाउट ओवन वाला, इसको रखती हूँ मैं, बाद में टेस्ट करके बताती हूँ। और अब हम इसे काटेंगे। ओहो, गरम गरम। तो ये देखें ये है बहुत ही गरम और चीज़ अंदर से निकल रहा है। ये पीछे से कलर देख लें, ज़बरदस्त सा कलर आया है और ऊपर से भी लाइट लाइट सा कलर है, तो बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पिज़्ज़ा पाई की रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं टेस्ट करती हूँ कैसे बने हैं। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगी ओवन वाला। बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े का। ऊपर से आपको थोड़ा खस्ता खस्ता लग रहा है लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत मज़े का। अब मैं करती हूँ विदाउट ओवन। ये गर्म है, दोनों परफेक्ट बने हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद दामना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद दामना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़। और इसे बनाएं और इसे इन्जॉय करें खा के।
अल्लाह हाफिज़।